बल्लारी में प्रखंड प्रमुख का चुनाव हुआ संपन्न, सोनी तिग्गा बनी प्रमुख। मंगलवार को खलारी में प्रमुख पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में दो प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था। वोटिंग के बाद चुनाव परिणाम आने पर सोनी तिग्गा खलारी प्रखंड प्रमुख के रूप में चुनी गईं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रेणु देवी को 1 वोट से हराया। सोनी देवी को 8 वोट मिले जबकि रेणु देवी को मात्र 7 वोट मिला। जीत के बाद मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों और समर्थकों ने जीत का जश्न मनाते हुए प्रमुख को मिठाई खिलाई और माला पहनाया। सोनी तिग्गा लगातार दूसरी बार खलारी प्रखंड प्रमुख के रूप में चुनी गई हैं। पंचायत समिति प्रमुख खलारी के लिए जो चुनाव हुआ उसमें 2 अभ्यर्थी नॉमिनेशन में भरे थे, दोनों का नॉमिनेशन स्वीकृत हुआ था, रेणु देवी और सोनी तिग्गा। वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, काउंटिंग की भी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। रेणु देवी को 7 मत प्राप्त हुए हैं और सोनी तिग्गा को 8 मत प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार सोनी तिग्गा प्रमुख पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए। लड्डू तो खा गए दीदी, माला पूरा पहनाने के बाद दे ना, सब नीचे थोड़ा सा ये मोहन दोबारा से जनता ने सेवा का मौका मिला है। आज खलारी प्रखंड में प्रखंड प्रमुख का चुनाव हो रहा था जिसमें मैं नॉमिनेशन की थी। हम कुल 2 प्रत्याशी थे लेकिन 2 प्रत्याशी में मेरा विजय हुआ है। इसका श्रेय मैं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं उनको देना चाहती हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे दोबारा से मौका दिया जनता की सेवा करने के लिए। क्या क्या मतलब सपना सोच है इस बार फिर से प्रखंड के लिए कुछ करने का? सर्वप्रथम जो काम मैं अधूरा छोड़ी हूँ उसे तो सर्वप्रथम पूरा करूँगी। उसके बाद जो यहाँ के लोकलिटी के आधार पर सबसे ज़्यादा आवश्यक है, यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यक है पानी की और दूसरा है शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य पर, उस पर विशेष तौर पर जो कुछ कमियाँ रह गई थी उसे दूर करते हुए पूर्ण रूप से प्रयास करूँगी कि वो सही समय से पूर्ण हो जाए।